हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। ये हमारी गर्म कुर्ती है, देखिए वूलन का कपड़ा है, तो ये सर्दी का सीजन शुरू हो गया तो फुल आस्तीन में आज आपको सिंपली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग दोनों ही बताएंगे। तो चलो बताना शुरू करते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा कपड़ा है, तो हमने इसे कट करके अलग कर लिया दो पीसों में। तो देखिए ये इस पर इस तरीके से इस पर डिजाइन है, तो हम इसको हटा देते हैं पहले। तो देखिए ये डिजाइन है। तो आज हम आपको टिप्स बताएंगे कि ये गला बना हुआ होता है तो इसी ये बड़ा होता है, तो इसे भी हम नाप करके बताएंगे किस तरह से हमें छोटा करना है और इसे कम छोटा करके बनाना है, और कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले हम उल्टा करके बिछा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसकी लंबाई देखेंगे। तो इस तरीके से आपको इसकी लंबाई, अब देखिए ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा है तो हमारे गले पर यहाँ से डिजाइन है, तो ये तो हमारा बेस्ट जाएगा क्योंकि हम यहाँ से ही इसे लेंगे लंबाई। तो हम पहले यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई को देखेंगे, तो इसकी लंबाई देखिए 46 है, तो यहाँ पर 2 इंच तो ईजियर इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ये हमारा फोल्ड करने के लिए जो हम तुरपाई करते हैं, इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब हमें देखना हमारी लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ तो 44 इंच ये रेडी हो जाएगा। तो इसे हम इसकी लंबाई हो गई। अब हमें देखना है यहाँ पर कि हम अपना फुल इस तरीके से, इसमें कम अर्ज होता है वुलन का कपड़ा, इसलिए कम अर्ज का है, तो हम पहले देख लेंगे कि हमारा हिप का नाप कितना है। उस हिसाब से अगर कोई बड़ा कपड़ा होता अपने का तो हम बराबर से, हिप हमारी 10 है, 40 है तो हमारा 10 और 2 इंच इस मार्जिन के लिए तो बराबर से कट कर लेते हैं। पर हम इसमें ज़्यादा अर्ज नहीं है और इस पर ये डिजाइन बनी हुई है, गले पर डिजाइन है, तो इसकी वजह से आप अर्ज को बचा भी नहीं सकते हैं, जो भी है वो कटिंग में निकल जाएगा। तो देखिए पहले तो हम बिल्कुल ये जो गला बना हुआ होता है उसे बिल्कुल सीध से यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमने पहले उल्टा रख लिया है। अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो हमारा शोल्डर है 14, आपका जो भी हो। तो ये गरम जब कुर्ती बनाते हैं तो इसमें हम पूरा शोल्डर लेते हैं क्योंकि इसमें कोई डीप गला नहीं पहनते हैं ना, तो छोटा गला बनेगा, तो इसके लिए फुल शोल्डर लेना है। आपका 14 है तो यहाँ पर डबल में है, इस तरह से हमारा 14 है तो डबल में हम 7 लेंगे और 2 इंच इसमें, 2 पॉइंट इसमें मार्जिन के लिए भी ऐड करेंगे। तो हमें चलिए गले पर निशान लगाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब गला बड़ा होता है इस तरह से नापना है, तो ये 3.5 इंच का बनेगा, जाके 3 इंच है तो ये काफ़ी फैल जाएगा, तो हमें इसे छोटा करना है, 2.5 का बनाना है। तो हमें क्या करना है, इस साइड से हम यहाँ से जो डिजाइन बनी हुई है हम यहाँ से इसे 2.5 पर निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये 2.5 पर निशान लगा लिया है। देखिए ये इतना एक्स्ट्रा है, तो हम इसे स्टिचिंग करते वक्त आपको बताएं किस तरह से हमें छोटा करना। तो देखिए हम यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देंगे क्योंकि जब हम बैक का पल्ला कट करेंगे तो हम इसे बाहर निकाल देंगे, इसके बराबर ही इसकी कटिंग करेंगे। एक हमने जो निशान लगा दिया है तो ये हम आपको स्टिचिंग करते वक्त किस तरह से कटना करना हम वो बताएंगे। तो देखिए यहाँ से इतना छोड़ने के बाद हम निशान लगाएंगे इस तरह से 7 इंच पर। ये 7 इंच पर हमने, 14 है तो मैंने 7 पर निशान लगा लिया, और 7 इंच यहाँ से हम आरमोल लेंगे इस तरीके से। इन निशानों को पहले हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये निशान सीधे कर लिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं चेस्ट पर, जो सीना है तो आपका जो भी सीना हो उस हिसाब से इसका 4th भाग करेंगे। तो देखिए हमारा है 36, तो हमारा 9 आएगा, हम इसमें 1/2 इंच की लूजिंग डालेंगे, तो इस तरह से हम 9.5 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से 9.5 पर। अब इसमें मार्जिन के लिए भी 2 इंच ऐड करेंगे। तो देखिए ये 2 इंच और बढ़ा दिया हमने, ये 2 इंच बढ़ा दिया इस तरीके से। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, शोल्डर के पास से रखना है हमें। और देखिए अब इसकी कमर का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से रखते हुए 14 पर एक निशान लगाएंगे कमर के लिए, और एक 21 पर निशान लगाएंगे, अगर कम हाइट है तो 20 पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए 21 पर निशान लगाएंगे, हिप का निशान है, तो अब हमारी जो भी कमर है उसका निशान लगाएंगे, जो 32 है तो 8, हम इसमें 1/2 इंच लूजिंग देंगे
तो हम 8.5 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, इन निशानों को सीधा कर देंगे। और हमारी हिप 40 है तो हम 10 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये एक तो बुलन का है, तो इसमें आधा इंच मार्जिन लेना ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल फिट नहीं पहनते हैं। तो इस तरीके से इन निशानों को पहले सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हमने निशान लगा लिए। अब आपको देखना है यहाँ पर जो हिप होती है उसी को उठा करके यहाँ दामन पर रख देते हैं। तो उसी को देखिए 40 है तो 10 हमने यहाँ लगा करके और 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए हमने सीधी लाइन कर दी। अब आपको देखना है ऊपर गले की तरफ, तो यहाँ से हम आर्मोल पर ये 3.5 पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर पूरे लिए हमने, तो यहाँ काफ़ी अर्ज हो जाता है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, जब डीप गला लेते हैं तो शोल्डर कम लेते हैं, तो हम 1 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे इसको 1 इंच पर। ये फ्रंट का है और इस तरीके से हम स्केल से इसे यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से। तो यहाँ हमारे जब हम सूट सिलते हैं तो यहाँ फुलाव नहीं आएगा। अब 1 इंच हम इसे इसकी गुलाई दे देंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से 1 इंच पर हम इसे गुलाई दे देंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल हो गया और ये देखिए बैक का हो गया इस तरीके से। तो हमारे आर्मोल के निशान लग गए। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा देखिए 2.5 का बनके रेडी होगा। तो इसकी हम कटिंग जो निशान लगे हुए हैं 1/2 इंच इस तरीके से हम शोल्डर को डाउन कर देंगे, देखिए 1/2 इंच। अब ये जो गला बना हुआ है तो हम इसे कपड़े पर बनाएंगे, तो पहले इसे हम कट नहीं करेंगे, इसको कम करेंगे, स्टिचिंग करते वक्त बताएंगे इस तरह से हमें कम करना है, फिर इसको हम कट करके बनाएंगे। तो इसकी पहले हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इसी तरीके से हमने इसको बैक का पल्ला भी बिछा लिया और इसके बराबर से कटिंग कर ली, तो इसे हमने देखिए कट कर लिया। तो अब क्या करना है, हमें बैक का हत्ता देना है, पहले इस पर नॉर्थ ईस्ट लगा देना है, जो कि देखिए ये बहुत निशान ज़रूरी है। तो एक यहाँ पर निशान लगा दें इस तरह से, और ये एक कमर का है यहाँ पर लगा दें चारों पल्ले पकड़ते हुए इस तरीके से, और एक ये फिटिंग का निशान लगा दें इसमें इस तरीके से, और एक ये यहाँ पर जो हमने गले के लिए निशान लगाया यहाँ पर लगा दें इस तरीके से। अब हम फ्रंट को हटा देंगे इस तरीके से, बैक को नीचे से निकाल के अब इसमें फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इतना फर्क हो जाता है हमारे बैक और फ्रंट में, इस तरीके से हमने ये गुलाई दे दी। अब हम चलिए आस्तीन की कटिंग बताते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखिए अब हम चलिए आस्तीन की कटिंग बताते हैं। तो देखिए ये डबल फोल्ड कपड़ा है, ये अर्ज में से जो बचा हुआ कपड़ा है तो मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया। अब इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, देखिए ये 4 फोल्ड हैं खुले हुए। तो देखिए इस तरीके से आपको बिछाना इस तरीके से, ये हमारी साइड बंद है और इस साइड खुला हुआ है। तो देखिए पहले हम इसकी लंबाई देखेंगे, तो इसमें लंबाई 20 इंच निकालना है, हमारे 19 इंच है, तो हम इसे 19 पे ही रखेंगे और 1/2 इंच ये फोल्डिंग में चली जाएगी, तो ये बन करके 18 इंच पर रेडी हो जाएगी। तो देखिए किस तरह से हमें निकालना है कि देखिए 7 इंच हमने आर्मोल लिया था 7 इंच, तो इससे 1 इंच 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 7.5 लेते हैं। और अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल भी तो इस तरह से निकाला, जो हम चेस्ट का 4th भाग लेते हैं उसकी लंबाई होना चाहिए इसमें। तो हम चलिए इसमें निशान लगाते हैं इस तरह से, 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे हम इस तरीके से, और 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ फोल्डिंग के लिए, ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। तो देखिए जो हमारे आस्तीन की गुलाई हो उस पर हम निशान लगा लेंगे, तो हम ये 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, ये हमारी गुलाई है बाएं आस्तीन की। अब एक निशान हम इस पर लगाएंगे सीधा, अब एक यहाँ से यहाँ लगा देंगे इस तरह से, या फिर आप इस तरीके से निशान लगा लें, और ये है इसके लिए गुलाई का निशान लगाएंगे, जो फ्रंट की गुलाई लगाते हैं इस तरीके से।
अब देखिए यहाँ से आप नाप करके देख लीजिए, ये देखिए हमारा 9 इंच, और इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए, 2 हो 1.5 हो जो भी आपके पास हो, जितना कपड़ा उस हिसाब से इसमें मार्जिन आप रख सकते हैं। तो अब देखिए इस तरह से इस निशान को हम सीधा कर देंगे और इस मार्जिन वाले निशान को सीधा कर देंगे। तो और एक चीज़ आपको बताएं, यहाँ से जो हम आस्तीन अपनी निकालते हैं तो यहाँ से 6 इंच पर एक निशान लगा लें इस तरीके से, जो हमारे आस्तीन की गुलाई होती है। तो अब फिटिंग में जब निकालते हैं तो देखिए जिससे हमारे यहाँ की गुलाई हमारी 6 इंच है, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, या आपकी 7 इंच है तो 7 इंच पर। तो इस निशान को भी इसी तरीके से यहाँ से गुलाई से अगर सेब पट्टी से निकालेंगे तो बिल्कुल गुलाई से निकल आएगा। तो हम इसके निशान सीधे लगा लेते हैं पहले। इन निशानों पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी कटिंग पूरी हो गई। तो देखिए ये आस्तीन है, जो ये सूट की आस्तीन है, और ये हमारी फ्रंट का पल्ला है, और ये देखिए बैक का है। तो इसमें सिर्फ गला नहीं कट किया है, और इसमें जो गला नहीं कट किया है, जब हम स्टिचिंग करेंगे उस टाइम हम आपको गला बताएंगे। तो देखिए कटिंग तो हमारी पूरी हो गई, चलिए हम आपको स्टिचिंग बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम आपको स्टिचिंग करना बताते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं स्टिचिंग के लिए। तो इसमें मेन चीज़ है इसका गला बनाना। तो देखिए क्या होता है, जब ये हमारे रेडीमेड सूट होते हैं उनके गले काफ़ी बड़े होते हैं। देखिए एक बार हम बताते हैं आपको, इस तरह से आप गले को नापेंगे। ये कटिंग तो इसकी हो चुकी है, तो देखिए इस तरीके से 7 इंच का ये गला है। तो अब जब 7 इंच का हम रेडी बना के करेंगे तो और ये बढ़ जाएगा, तो ये शोल्डर से उतरने लगता है, गिरने लगता है। तो इसके लिए हमें इसी को हम आप आज बताएंगे, मैंने इसका यही है कि हम गला बनाना आपको बताएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इस पर निशान लगा लिए, तो हम इसे 2.5 से तैयार करेंगे, 2.5 से। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये हमने जो निशान लगाया है एक्स्ट्रा, इस निशान पर हमें स्टिच डाल देंगे पहले हम। और ये चीज़ आपको देख लेनी है, जो यहाँ पर ये बीच का जो हमारे गले की बीच की जो डिज़ाइन है, यहीं से इसे फोल्ड करना है बिल्कुल इस तरीके से। अब इस पर एक स्टिच डाल लेते हैं, फिर बताते हैं आगे। देखिए ये हमने एक इस पर स्टिच डाल दी है, सिलाई लगा दी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, बराबर से नहीं, यहाँ कम करके हमें लगानी है। अब हम इसको सीधी तरफ से रखेंगे, और अब आपका इसका गला आप नाप के देखिए, तो हमारा पूरा 5 इंच का बन के रेडी होगा। तो देखिए इस तरह से हम इसे कम कर लेंगे, क्योंकि रेडीमेड सूट में बड़े ही गले आते हैं। अब हम इसके लिए बनाने के लिए, देखिए ये हमने कपड़ा लिया है, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल बराबर से रखते हुए इस तरीके से, ये थोड़ा बड़ा है, हम कट करके निकाल देंगे। तो इसे पहले पिन से यहाँ बिल्कुल सिक्योर कर लेते हैं, 2-3 जगह पिन लगा करके हम इसे, अब हमने इसे उल्टा कर लिया। उल्टा इसलिए कर लिया क्योंकि इधर से हमें इस पर गले पर सिलाई नहीं दिखेगी, तो जो इस पर डिज़ाइन बनी हुई है उसके बराबर से हम यहाँ तक इस तरीके से, बिल्कुल जैसा हमारा गला बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका है ये डिज़ाइनर गले बनाने के लिए। अगर आप बुकरम डालना चाहते हैं तो इस पर, तो वैसे भी कढ़ाई है तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो आप सिंपल से एक कपड़ा रख करके बिल्कुल जैसे गला बना हुआ है उसी हिसाब से इस पर स्टिच डाल लीजिए। देखिए और बाकी का सूट, तो कई सूट की सिलाई हम बता चुके हैं, तो देखिए हम इसमें आपको गला ही बनाना मैन इसका है बनाने का रीज़न। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर से स्टिच डाल लेते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई लगा करके, और देखिए यहाँ से यहाँ तक 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इसे कट कर लिया। तो और एक यहाँ पर इस तरह से कट लगाने हैं जो हमारी सिलाई ना कटे, और ये बीच में आपको इस तरीके से, देखिए इस तरीके से इसे कट लगा देना, जिससे हमें फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना आए। और इसी हिसाब से हम बैक का गला भी कट कर लेंगे, तो उसमें हम 2 इंच का गला बनाएंगे, क्योंकि ये गर्म सूट है और इसमें बड़े गले नहीं अच्छे लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसे, आप चाहें तो इसमें प्रेस लगा लें, और देखिए इसे फोल्ड कर देंगे। अब इस पर एक हम सिलाई डाल देंगे, यहाँ से इसे अंदर के लिए दबाते हुए, और बिल्कुल किनारे से इस पर एक सिलाई डाल देंगे।
यहाँ से फिनिशिंग की सिलाई पूरे पर डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक बन करके रेडी हो गया। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसे अंदर भी अटैच कर दिया। आप चाहें तो इस पर तुरपाई कर लें, हमने इस पर मशीन चला दी है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये फ्रंट का नेक तैयार हो गया। और इस तरह से हम देखिए बैक का भी हमने, ये हमने दिखाया नहीं हमने, पर ये 2.5 इंच की चौड़ाई है इसी के बराबर जो कट किया है। और देखिए इस तरीके से हमने इसे 5 इंच की गहराई दी है हमने। और इसे हमने ये पट्टी उसी ड्राफ्ट को रख करके हमने और ये पट्टी इसे कट कर लिया है इसी गले के हिसाब से। अब इस पर हम एक स्टिच डाल करके इसे भी फोल्ड कर देते हैं और इसके शोल्डर जॉइंट करते हैं। इस तरह से हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं और अब हम इसको हटा देते हैं। पहले इसमें हम निशान लगा लेंगे फिटिंग के। तो देखिए जो आपकी फिटिंग हो उसका आप निशान लगा लें दोनों तरफ। एक तरफ देखिए हमारे लगा हुआ है, इसी तरह से हम दोनों फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो फिटिंग तब करेंगे जब हम आज आपको आस्तीन जोड़ना बताएंगे। तो आज चलिए आस्तीन को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे दोनों आस्तीन है, तो इसको क्या करना है, पहले हम इसे यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से जो हमने मार्जिन लिया है उसे दबाते हुए इस तरह से दोनों पर सिलाई डाल के इसे फोल्ड कर लेते हैं, फिर इसमें अटैच करना बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पर इसके बॉर्डर की सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको देखिए, इस कुर्ती को हमने इस तरीके से रखा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से तुम्हें आस्तीन जोड़ना बताएंगे इसमें। तो देखिए पहले आपको देख लेना है कि हमारी फ्रंट की है, कि जो गहराई लगी होती है वो फ्रंट में होती है। तो इसको इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर। और देखिए जो यहाँ पर नोचेस लगा हुआ है इसे यहाँ जो शोल्डर है इस पर अटैच करेंगे यहाँ, और रखते हुए इसे यहाँ से और इस तरीके से इसे अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से दोनों अटैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जो मार्जिन है 1/2 इंच का लेते हुए और फुल पर सिलाई डाल लेते हैं। इस तरीके से हमारी आस्तीन को इसमें हमने ज्वाइंट कर दिया। तो अब क्या करना है कि हमें फिटिंग के निशान पर सिलाई डालनी है। बस फिटिंग की सिलाई डालनी है, तो बराबर से जो हमारी निशान लगा हुआ है, जो भी हमारे पहुँचा है उस हिसाब से इस पर निशान लगे हुए हैं, उसी तरीके से आप भी निशान लगा लें और दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई डाल दें। और इसको नीचे चौक फोल्ड करके और नीचे से इसे डबल फोल्ड में दबाते हुए पूरे पर सिलाई डाल दें। तो हमारी कुर्ती बनकर रेडी है। इस पर हम सिलाई डाल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारी बनने के बाद किस तरीके से हमारी कुर्ती दिखेगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुर्ता बन करके रेडी हो गया है। तो देखिए इस तरीके से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा सूट बन के रेडी हो गया। देखिए इसमें कितनी फिनिशिंग आई है। इसी तरीके से आप भी बनाएं। और देखिए अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए हमारी ड्रेस बन करके रेडी हो गई। धन्यवाद।